एके मिश्रा के पास चलूंगा। मैं कई बार पिछले 3 दिन से सोच रहा हूँ, मैंने कल से सोच से आज तक सोच रहा हूँ, कई बार सोच चुका कि भाई अगर मान लो उमा शंकर नहीं होते रसड़ा से, है, और प्रमोद तिवारी जी की बिटिया नहीं लड़ रही होती मोना, और वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस में नहीं आए होते बसपा से, तो शून्य 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 हो जाता है ना। ये परिस्थिति बन गई, और ये तीनों, इनमें पार्टियां क्लेम नहीं कर सकती कि हमारे कारण जीते हैं ना। ओम प्रकाश, उमा शंकर कैसे भी लड़ ले चुनाव, पर निर्दलीय लड़ ले, दलीय लड़ ले, जीत जाते। प्रमोद तिवारी की बिटिया लड़ेगी, जीतेगी। प्रमोद जी का एक अपना वहां का प्रभाव भी है, और फिर उनके राजनीतिक समन्वय वाला जो उनका अपना एक मिजाज है, तो हर पार्टी में उनके दोस्त हैं। मिश्रा जी, होता ना कि भाई धरती वीरों से खाली है टाइप का मामला हो गया। एक राउटी, एक गंगा के एक तरफ एक राउटी और गंगा के दूसरी तरफ दूसरी राउटी, बाकी पूरा मैदान खाली। एक भाजपा का झंडा, दूसरे में सपा का झंडा, क्या बाकी सब। वो कौन सी सिनेमा आया था जिसमें वो कहता है बाकी कुछ दाएं आओ कुछ बाएं आओ, बाकी मेरे पीछे आओ ना। शोले शोले हाँ, तो शोले, वैसी, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर। हाँ, तो वैसी स्थिति बन गई उत्तर प्रदेश में कि या तो इस राउटी में जाओ, कुटिया में जाओ, या इस कुटिया में जाओ, बाकी अब कुछ बचा नहीं। डिबेट कहाँ? देखिए, आपकी बात सही है। जी अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, या गलत स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आप सही नहीं करते हैं। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब, देखिए, दो पार्टियां जैसे भाजपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, इनका तो दिख रहा था ये एक्टिव थे। बाकी पार्टियों ने पता नहीं क्यों एक जैसे वॉकओवर दे दिया। मायावती जी इतनी एक्टिव रहती हैं इलेक्शंस में, उन्होंने हाथ पैर चलाए ही नहीं। मैं फ्रॉम डे वन मैं इंतजार करता रहा कि बीएसपी कुछ एक्टिव हो। मैं तभी समझ गया था कि बीएसपी ने जो है एकदम जैसे संन्यास ले लिया। कांग्रेस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने मेहनत बहुत की थी, और उनकी एक्टिविटी को देखते हुए लग रहा था कि पास्ट परफॉर्मेंस से इनको ज्यादा ज्यादा जो है होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं टक्कर में है। पहली गलती उन्होंने वहां पे ये की कि रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशनिंग। पूरे उनके कैंपेन को मैं देखा, मैं कभी कन्विंस नहीं हो पाया कि ये पॉलिटिकल कैंपेन है। मुझे लगने लगा कि ये कहीं एनजीओ का, महिला सशक्तिकरण का ये कैंपेन चल रहा है। भाई, चुनाव केवल एक मुद्दे से नहीं हो सकता है कि महिलाओं का हम सशक्तिकरण करेंगे, हमने इतने परसेंट सीट दी है, बाकी आपने और कोई बात ही नहीं की। अगर बात की तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस की ये जो दुर्दशा हुई है कि साफ होती चली जा रही है, इसका एक बड़ा वैदिक उदाहरण है। एक राक्षस राज था, उसने अपने गुरु को बुलाया कि उसके दुश्मनों का सत्यानाश हो जाए, यज्ञ करवाया। जो यज्ञ यज्ञाचार्य थे वो बोल रहे थे अलेह स्वाहा, यज्ञ खत्म हुआ, यज्ञ मंडप भस्म हो गया, आग लग गई, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे जो स्ट्रेटजिस्ट, तुम्हारे जो गुरु हैं, उनको बोलना चाहिए था अरियह स्वाहा। अरी का मतलब संस्कृत में होता है दुश्मन, रिपु शत्रु, और अरी की जगह उन्होंने अलेह स्वाहा, मतलब मेरा ही स्वाहा हो। कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं यही है, हर इलेक्शन में जहां वो ठीक जा बात रहे मिश्रा जी, हैं, आपने ठीक पहले भी ये कही माना जी। जाता था। आज मैं आऊंगा आपके पास, जरा गौतम राणे और प्रियंका फिर गांधी के बाद वही टैग लग जी गया है। वो इन लोगों के पास चलूं। वो स्मृति ईरानी ने आज कहा भी कि भाई हमने तो सुना था कि प्रियंका जी कांग्रेस में प्राण फूंक नहीं आई, वो तो कांग्रेस फूंक के चली गई। जो बात एके मिश्रा कह रहे कि अरे अलिया स्वाहा की स्वाहा, जगह अलिया स्वाहा अली का स्वाहा फर्क हो हुआ, तो गया। फिर जो होना था हो गया। खैर, एके मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के का जो हायरार्की ट्री है, अब इस घटनाक्रम के बाद, जो उत्तर प्रदेश का जनादेश आया, इस घटनाक्रम के बाद उस हायरार्की ट्री में आप किस ढंग का परिवर्तन देखते हैं, और योगी आदित्यनाथ का किस ढंग का इमरजेंस आप देखते हैं उस हायरार्की ट्री में? क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ सेलेक्टेड मुख्यमंत्री थे, और ये हमको अपने 35 साल के अनुभव में जीव पत्रकारी जीवन में बहुत अच्छे से पता है कि सेलेक्टेड और इलेक्टेड में
जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक लाइन में, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मंक इनटू मास लीडर। इसके पहले योगी जी की जो पहचान थी वो एक मठ के कारण थी, मठ के कारण की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं थी। पहली पहचान उनकी बनी मठ के कारण, बनी उनके गुरु और मठ के कारण। दूसरी पहचान उनकी बनी भाजपा के कारण। तीसरी पहचान उनकी बनी मुख्यमंत्री, लेकिन चयनित या प्रमोटेड बाय आरएसएस, वहां आरएसएस ने रोल प्ले किया था। योगी जी ने इन सारे बंधनों को तोड़ के, ये एक व्यक्ति के कर्म की पराकाष्ठा है, मैं आपको देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पहचान को तोड़ के। हमारे पूर्वज भी बोलते थे ना, अपनी पहचान खुद बनाओ, अपने पैर पे आप्त दीपो भव। आप्त दीपो भव जो बोला जाता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को यहाँ मिला कि योगी जी ने जितने भी भौतिक पहचान उनको मिले थे दूसरों के द्वारा, उन सारे भौतिक पहचान को खत्म करते हुए, मिटाते हुए, अपने दम पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है एज ए मास लीडर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पक्ष इसका देख लीजिए, इसका असर क्या होगा। किसी भी आदमी को चुनौतियां दो स्तर से मिलती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य स्तर से योगी जी को चुनौतियां समाजवादी, कांग्रेस, इन सबसे मिलती थी, लेकिन आंतरिक स्तर पे भी चुनौतियां मिलती थी। जो उप मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बाहर से कोई आता था प्रेशर, ये सब टसल चलते रहते थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया, ये पौरुष की पराकाष्ठा है। मुझे वो चीज भी याद है, एक टाइम ऐसा लगा था कि योगी जी को ना कोई निर्देश था, लेकिन अकेले 80 के 80 जिलों में ये घूम रहे थे जब कोविड वगैरह या इन सब चीजों की महामारी फैली हुई थी, कोई ताना बाना नहीं था। मैं इसीलिए बोलता हूं, देखिए जैसे आपने ये बोला ना, एक आपका था उसमें, मैं ये भी बोलना चाहता था कि भाई भूख का मुद्दा चला नहीं, किसान वाला एक मुद्दा था वो मुद्दा भी नहीं चला, महंगाई एक मुद्दा है, मैं मानता हूं महंगाई एक मुद्दा है, उसका भी असर नहीं पड़ा। इसके साथ साथ शिक्षा का, बेरोजगारी का एक मुद्दा है, उस मुद्दे का भी असर यहाँ पे नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ, ये 5 साल तक योगी जी ने जो किया, सबसे बड़ी चीज जो एक निष्पक्ष होकर जो सुरक्षा की भावना डेवलप इन्होंने की है ना, वो मुद्दा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चल गया। योगी जी समझा पाए जनता को, माताओं और बहनों को, और सुरक्षा, वैसे भी आपके पास लाखों रुपए है, कोई गुंडा पीछे पड़ेगा जान बचा के आप भागेंगे। फिल्म में जो आपने फिल्म का नाम लिया शोले, जब विलन पिटता है ना तो दर्शक तालियां कब बताते हैं, बजाते हैं, जब दर्शक पिटता है, हीरो पिटता है, तो ये एक भावना की, जो गुंडे थे, जो विलन थे, उनकी पिटाई हो रही थी, खग जाने खगही की भाषा। योगी जी ने सांकेतिक तौर पे वोटरों को ये समझा दिया और वोटर समझ गए। जी ठीक बात कही के मिश्रा ने, छोटी सी टिप्पणी लूंगा फिर एक ब्रेक लूंगा, फिर बहस को आगे बढ़ाऊंगा। मिश्रा जी, मोदी जी जब राष्ट्रीय फलक पर आ रहे थे, वो मतलब संभावनाओं का काल था, छोटा छोटा प्रस्फुटन हो रहा था, उस दौर में बहुत सारे हर्डल्स आए, स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी जब राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हुए, राज्य के नेतृत्व से एलिवेट होके, प्रोन्नत होके, तो वहाँ भी फिर कुछ समस्याएं आई सबके सामने। योगी आदित्यनाथ के इस प्रमोशन में आप देख रहे हैं कि वो समस्याएं भी होंगी और उनको उनसे भी जूझना पड़ेगा। देखिए मोदी जी और योगी जी का अगर कंपैरिजन करें, दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिवेशन हुए हैं पिछले 10 सालों में। एक मोदी जी का एकदम विचित्र सा संयोग रहा, गुजरात से एक आदमी उठा और बहुत बड़ी जंप उन्होंने ली, और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये योगी जी के लिए फर्क। दोनों सिचुएशन में आप देखिए, जब मोदी जी एलिवेट हो रहे थे तो वहां एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल वैक्यूम था, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस और गठबंधन, बहुत नाराजगी थी, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मुझे याद है पिछले 1 सालों से घोटालों का आप जो है आरोप लग रहा था, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने खंडन तक नहीं किया, ये भी नहीं बोला कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। एक ऑलरेडी वैक्यूम बना हुआ था, जनमानस चाहता था कि हमें कोई एक नया लीडरशिप मिले। यहाँ सिचुएशन दूसरी थी, यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी ही थे और चुनौतियां उनको अंदर से भी थी और बाहर से भी थी। उनका जो युद्ध था, जो द्वंद था, वो खुद अपने ही किए हुए कामों से था। जो पिछले 5 साल उन्होंने किया था वो देखना था लोगों को, योगी जी को देखना था कि जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, सराहा कि नहीं का सराहा। वहां युद्ध बाहरों से था, वहां चुनौती बाहरी लोगों से थी, बाहरी एनवायरनमेंट से थी, यहाँ चुनौती अपने ही किए कामों से थी, यहाँ चुनौती अपने ही लोगों से थी, अपने ही पूर्व कर्मों से थी।
ये फर्क देखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैंने बार अमिताभ जी मैंने बार बार ये बोला था कि बीजेपी या योगी की सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी पास्ट परफॉर्मेंस है। अपनी ठीक बात है। कई बार जब आप नए प्रतिमान गढ़ने की ओर चलते हैं तो आपको अपने पुराने प्रतिमान ढाने पड़ते हैं।